हेलो एवरीवन, मैं ज्योति आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ज्योति जीबी ब्लॉग्स में फिर से स्वागत करती हूँ। तो गाइस, इस व्लॉग में आपको डंगोली नामक स्थान पर होने वाले नंदाष्टमी मेले के बारे में देखने को मिलेगा, जो कि चैत्र माह की अष्टमी में लगता है। ये मेला एक दिन का लगता है, जिसमें रात्रि जागरण से लेकर सुबह मेले तक का आयोजन होता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आपको मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। जागरण की रात अखंड दीपक जलाने के लिए हम मंदिर को चल दिए। मंदिर पहुंचकर हमने अखंड दीपक जलाकर व माँ की आरती गाकर जागरण की शुरुआत करी। अखंड दीपक जलाने के बाद मंदिर घंटियों और ढोल की ध्वनि से गुंजायमान हो गया। दीयों की रोशनी भक्तजनों को एक नई ऊर्जा और उमंग से भर रही थी। हम माता के दर्शन के लिए गर्भगृह की ओर बढ़े तो गर्भगृह के बाहर हमने कुछ महिलाओं को अखंड दीपक हाथ में लिए खड़े देखा। माना जाता है कि अगर कोई महिला संतान प्राप्ति या पुत्र प्राप्ति हेतु संपूर्ण रात्रि दिए को हाथ में लिए कठिन तप करती है तो माँ उसकी मुराद पूर्ण करती है। वैसे माँ सच्चे मन से मांगी गई मुराद को अवश्य पूर्ण करती हैं। फिर हम गर्भगृह में गए और हमने माँ के दर्शन किए। सच में माँ के दर्शन करके मन को एक अलग आनंद की प्राप्ति हुई और मन तृप्त हो गया। जब हम मंदिर प्रांगण में गए तो वहाँ का वातावरण मन को अति शांति प्रदान करने वाला था, तो हम कुछ देर मंदिर प्रांगण में घूम लिए।
सच में भंडारे में मिलने वाले इस भोग के सामने दुनिया के 56 भोग भी कुछ नहीं होंगे। जब हम भंडारे का आनंद लेके परागर में पहुंची तो वहां बहुत अच्छे भजन गाए जा रहे थे, जिसने सभी भक्तजनों को मोहित कर लिया और सभी भक्ति के रंग में रंग गए। करीब 12 बजे जब फिर से हम मंदिर के अंदर गए तो जो महिलाएं हाथ में दिया लिए खड़ी थी उनकी हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी और बहुत सी महिलाएं उनकी सहायता और सेवा में लगी हुई थी। रात्रि भर सभी खूब भजन गाते रहे और भक्ति के रंग में रंगे रहे। फिर वो समय आ गया जब सबकी तपस्या पूरी हुई और सभी ने उसके बाद स्नान आदि करके पूजा अर्चना की और फिर से घंटियों और ढोल की आवाज़ों से पूरा मंदिर गूंजने लगा। रात्रि जागरण खत्म होने के बाद हम घर को चल दिए। घर जाते हुए रास्ते में मेरे मायके की ईस्ट का मंदिर पड़ा, इसलिए हम वहाँ के भी दर्शन करते हुए गए।
विभिन्न जगहों के व्यापारी अपना सामान बेचने मेले में आए हुए थे। इनके पुरात की लतियाँ क्या और मेले में घूमते हुए मुझे मेरे स्कूल के कुछ बच्चे भी दिखे और उनसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। इस मेले में खरगोश के नन्हे से बच्चे भी आए हुए थे जो बहुत क्यूट लग रहे थे। कितने क्यूट लग रहे हैं बच्चे खेलेंगे उनसे। बड़े बूढ़े खासकर बच्चे इस मेले का भरपूर मात्रा में आनंद ले रहे थे। राम मंदिर है ये और ये लो भाई वैसे खरीदने की क्या जा रहे हैं ऐसे दर्शन जा रहे हैं। हाँ बस दर्शन कर लो। माँ भगवती के भी हैं यहाँ। ये देखिए जर्मन शेफर्ड अच्छे थे। इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।